हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकेट टू में। आज हम बात करेंगे अनवांटेड किट टेबलेट के बारे में। आज हमें आपको इस वीडियो में इसके यूज के बारे में बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे और यह टेबलेट आपके शरीर में वर्क कैसे करता है इसको बताएंगे, और इसे कौन कौन यूज कर सकता है, महिला कर सकती है या पुरुष कर सकता है इसको बताएंगे। जैसा कि अनवांटेड किट में कुल 5 टेबलेट होते हैं। पहले एक टेबलेट होता है मिफेनोप्रेस्टोल जो कि 200 mg, और 4 टेबलेट होते हैं मिसोप्रेस्टोल 200 mg में। अगर बात करें हम मिफेनोप्रेस्टोल के वर्क के बारे में, तो ये उस हार्मोन्स को रोक देता है जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये प्रोजेस्टोन जैसी हार्मोन्स को एक्शन को रोक देता है। जब प्रोजेस्टान की एक्शन को रोक देगा तो ये गर्भाशय आगे बंद हो जाएगी, उसी पे ये धीरे धीरे गर्भाशय यानी कि गर्भ की परत को तोड़ने लगता है। जब गर्भ की परत टूट जाती है तो वो धीरे धीरे ब्लीडिंग द्वारा बाहर आने लगता है, जैसे कि पीरियड के समय होता है। अगर बात करें हम मिसोप्रेस्टोल टेबलेट के बारे में, तो मिसोप्रेस्टोल क्या करता है गर्भाशय में यानी कि यूटेरस को कंटेक्ट करता है, यानी कि संकुचन करता है, जिसके वजह से ये निचोड़ के ब्लीडिंग के द्वारा सारी मलवा जो सादगी होती है उस चीज़ को बाहर निकाल देता है। अगर बात करें इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज जब महिला अनचाही प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहती तो उस समय एबॉर्शन के लिए करते हैं, जो कि एक चिकित्सक निरीक्षक जो कि गायनकोलॉजिस्ट के देख रेख में किया जाता है। अगर बात करें इसका यूज महिला करती है या पुरुष, तो इसका यूज केवल महिला ही करती है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके यूज से आपको नौजिया जी मचला सकता है, उल्टी हो सकता है, यूटेरिस में क्रैम्पिंग यानी कि दर्द थोड़ा बहुत होगा, किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और ब्लीडिंग की समस्या भी हो जाती है। अगर बात करें इस टेबलेट को लेने कैसे होते हैं, तो इसमें कुल 5 टेबलेट होते हैं। एक टेबलेट होता है मिफेनोप्रेस्टोन की और 4 टेबलेट होती है मिसोप्रेस्टोल की। एक टेबलेट आपको जो मिफेनोप्रेस्टोल होती है उसे लेने के बाद 48 घंटा बाद एक टेबलेट मिसोप्रेस्टोल की शाम को लेने होती, फिर सुबह लेते हैं, फिर शाम को लेते हैं, फिर सुबह लेते हैं। टेबलेट को लेने का हर डॉक्टर का अलग अलग अनुभव के अनुसार अलग अलग तरीके से बताता है। आप जब भी इस टेबलेट का यूज करिए तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, उसे समझ लीजिए, तब इस टेबलेट का यूज करिएगा, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप तक जानकारी पहुँचाना। आप इस वीडियो को देख कर खुद इस मेडिसिन का यूज ना करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा और शेयर कर दीजिए।